नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें, ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा ले, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। 12 फरवरी 2023 दिन रविवार, आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका, कई पदों पर भर्ती होने के लिए आया मौका। नारनौल में किसान ने खड़ी सरसों पर चलाया ट्रैक्टर, पाले से खराब हुई फसल, फलियों में दाने नहीं, अब मुआवजे की आस। पानीपत पहुंचे नवीन जैन, हेड कांस्टेबल आशीष की गिरफ्तारी को बताया गलत, बोले भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, अमित शाह करे सम्मानित। भिवानी में मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ प्रदर्शन, महिलाओं किसानों ने सीएम को दिखाए काले झंडे, पुलिस से हुई झड़प के बाद गिरफ्तार। रोहतक में रोडवेज कर्मचारियों का ऐलान, 14 फरवरी को प्रदेश के सभी डिपो में देंगे धरना, प्रदर्शन, पे ग्रेड लागू करने की रखी मांग। चंडीगढ़ में टीचर्स का धरना 11वें दिन भी जारी रहा, केंद्र से सेंट्रल सर्विस रूल मांग की, 19 फरवरी को करेंगे मीटिंग। हरियाणा एनसीआर दिल्ली और विशेषकर जिला महेंद्रगढ़ में मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है और आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में किया स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण तथा तीसरे शैक्षणिक भवन की रखी आधारशिला। पीएम मत्स्य सम्मान योजना के तहत मत्स्य पालन के लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं किसान। लाभार्थियों को 60% तक दिया जाएगा अनुदान। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली छावनी में आई 93 पदों पर भर्ती, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। भारतीय सेना दिल्ली छावनी द्वारा कुक, मसालसी, वाशरमैन व अन्य कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की शुरू तिथि की बात करें तो 18 फरवरी 2023 से आरंभ होगी। वहीं आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 10 मार्च 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, यानी ये भर्ती निःशुल्क है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का पीएम करेंगे उद्घाटन, गुरुग्राम से दौसा के बीच 220 किलोमीटर का हाईवे तैयार, आज से फराटा भरेंगे वाहन। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पर 12 फरवरी से वाहन फराटा बरसेंगे। गुरुग्राम के अलीपुर गांव से राजस्थान के दौसा के बीच 220 किलोमीटर का हाईवे बनकर तैयार हो गया है। 12 फरवरी यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। मुख्य कार्यक्रम दौसा में होगा, लेकिन इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में गुरुग्राम में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दरअसल दिल्ली वडोदरा मुंबई यानी DVM एक्सप्रेस वे पूरी तरह बनने के बाद दिल्ली से मुंबई का सफर कार से महज 12 घंटे के अंदर पूरा होगा, जबकि अभी मुंबई तक पहुंचने में 24 घंटे का समय लगता है। 12 फरवरी यानी आज सुबह 10 बजे DVM एक्सप्रेस वे के शुभारंभ के मौके पर गुरुग्राम के कस्बा सोना में पड़ने वाले गांव अलीपुर में इस एक्सप्रेस वे की शुरुआत होगी, जहां सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे। यहां से कार्यक्रम में शामिल होने के बाद नूंह जिले के गांव हिलालपुर में बनाए गए टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे। बता दें कि दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे देश का सबसे लंबा ग्रीन एक्सप्रेस वे होगा। इस एक्सप्रेस वे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन दौड़ेंगे। साथ ही ये 8 लेन का होगा, जिसको समय अनुसार 12 लेन का भी किया जा सकता है। इस एक्सप्रेस वे को बनाने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। अग्निपथ योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। अग्निपथ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द से प्रारंभ होने वाली है। साल 2023-24 के लिए अग्निवीरों की भर्ती 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण की बात करें तो ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा यानी ऑनलाइन CEE और द्वितीय चरण में भर्ती रैली होगी। सेना भर्ती कार्यालय चरखेदादरी के रैली संयोजक कर्नल आनंद सांकले ने बताया कि भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार के लिए अपना नाम वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। इस भर्ती में भिवानी, चरखेदादरी, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी जिले के जिन युवाओं का जन्म 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच है, 10वीं या फिर 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की हो, जो उम्मीदवार कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और परिणामों की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर लिपिक व स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेडमैन 10वीं पास व अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं पास के पद सभी आर्म फोर्स के लिए रेडी है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर आर्मी रैली की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क यानी फ्री है। यदि किसी प्रार्थी को फॉर्म भरने में समस्या आती है तो वे आर्मी की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं या फिर चरखेदादरी सेना भर्ती कार्यालय में भी निजी तौर पर संपर्क कर सकते हैं। जींद में पंचायत मंत्री ने बताई ई टेंडरिंग की महत्ता, बबली बोले शहरों की तर्ज पर गांव में विकास, पारदर्शिता फंड के सदुपयोग के लिए जरूरी। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि गांव का विकास मौजूद गठबंधन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार द्वारा शहर के तर्ज पर गांव का विकास करने के लिए 9 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी गांव में मूलभूत एवं आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। देवेंद्र बबली ने कहा कि 9 सूत्रीय कार्यक्रम में गांव में स्थापित चौपाल, धर्मशाला इत्यादि जैसे पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, गांव दर गांव स्टेडियमों में जिम की व्यवस्था, पार्क को
एवं तालाबों का रख रखाव एवं सौंदर्यकरण गांव की फिरनी व मुख्य सड़कों स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था गांव में ई लाइब्रेरी की स्थापना मुख्य सड़कों एवं चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे काम शामिल है। मंत्री देवेंद्र बावली ने कहा कि सरकार द्वारा विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने और विकास परियोजनाओं के लिए जारी धनराशि का 100% सदुपयोग करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ई टेंडरिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बावली शनिवार गाँव को सुलहेड़ा के संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। 2024 का रण जीतने की रणनीति बनाई। भिवानी में बोले धनखड़, कांग्रेस हमारे मुकाबले में नहीं, 500,000 घरों पर झंडे। हरियाणा के भिवानी में भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 2024 के चुनावी रण को जीतने की रणनीति बनाई गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस हमारे मुकाबले में नहीं है। वहीं इससे पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 2024 आ रहा है तो संभावित तौर पर चुनाव की तैयारियां भी है। चुनाव की तैयारियों में दूसरी पार्टी भी लगी हुई है और बीजेपी भी लगी हुई है। भिवानी में बैठक में भाजपा ने 2024 के चुनाव में जीत दर्ज करने, संगठन को मजबूत करने और सरकार को योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ लोगों की फीडबैक लेने के लिए चिंतन मंथन किया। बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित केंद्र व प्रदेश के मंत्री, सांसद व सभी विधायकों के साथ सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बीच पत्रकारों से बातचीत में भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर 4,00,000 झंडे एक समय पर फहराए जाएंगे। वहीं 14 फरवरी को अमित शाह करना लाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को कुरुक्षेत्र में प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज पर निशाना साधा। उन्होंने डॉक्टरों का ड्रेस कोड लागू करने के सवाल पर चुटकी ली कि डॉक्टरों का ड्रेस कोड लागू करने से पहले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को चाहिए कि वे खुद नहा कराया करें। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शनिवार को पीपली अनाज मंडी में किसानों से रूबरू होने के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आलू उत्पादक किसान परेशान हो रहे हैं। जो आलू 600 रुपए तक बिकता था, अब पीपली अनाज मंडी में 150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिक रहा है। सरकार द्वारा योजनाएं तो शुरू कर दी जाती हैं, लेकिन आम तक फायदा पहुंचाने में विफल रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हर वर्ग परेशान हो रहा है। सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिससे आम जनता को फायदा मिल सके। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर विवादों में घिरे। फरीदाबाद में अरदास के दौरान सिर नहीं ढका, विरोधियों ने सवाल उठाए तो बीजेपी नेताओं ने माफी मांगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर विवाद में घिर गए हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है जो फरीदाबाद के सेक्टर 15 का है। यहां बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल चैरिटेबल अस्पताल का नींव पत्थर समागम चल रहा था। इस दौरान अरदास के वक्त सीएम मनोहर लाल खट्टर का सिर ढका नहीं हुआ था। बता दें कि सिख मर्यादा के अनुसार अरदास के वक्त और गुरुद्वारे में जाते वक्त सिर ढका होना चाहिए। सीएम के नंगे सिर होने को लेकर विपक्षी दलों ने उन पर निशाने साधने शुरू कर दिए। हालांकि अभी सीएम मनोहर लाल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा सिख अरदास में नंगे सिर खड़े होने को धार्मिक मर्यादा के उल्लंघन बताया है। उन्होंने सीएम मनोहर लाल से माफी मांगने को कहा है। इनेलो की परिवर्तन पद यात्रा 24 फरवरी से प्रारंभ। अभय चौटाला बोले, पहले चरण में 1100 किलोमीटर चलेगी। स्वतंत्रता सेनानियों के सिंगार गांव से शुरुआत होगी। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल में कर्जा बढ़ा है। पार्टी ने फैसला लिया है कि गठबंधन सरकार के घोटालों को लेकर पूरे प्रदेश के लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच जाकर भाजपा के 8 साल और कांग्रेस के 10 सालों के कार्यकाल की चर्चा करेंगे। अभय ने कहा कि पद यात्रा के चलते पार्टी नगर निगम व नगर परिषद के चुनाव नहीं लड़ेगी। जो अच्छे उम्मीदवार होंगे उन्हें समर्थन दिया जाएगा। इनेलो की परिवर्तन पद यात्रा 24 फरवरी से हल्के के सिंगार गांव से प्रारंभ होगी। आपको यहां पर बताते चले कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध जीतकर वापस जाते हुए इस गांव के ही मंदिर में स्नान कर अपना सिंगार किया था। वहां से फिर मथुरा गए, इसलिए इस गांव का नाम सिंगार पड़ा। इस गांव में प्रदेश में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी है। कुरुक्षेत्र में परिवर्तन पद यात्रा का समापन होगा। वहीं 24 फरवरी से 5 अप्रैल तक 21 विधानसभा कवर करेंगे। 25 सितंबर को चौधरी देवलाल के जन्मदिवस पर इसका समापन होगा। यात्रा हर रोज 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक 5 से 7 गांव और शहर कस्बों को कवर करते हुए चलेगी। अभय चौटाला ने कहा कि हमने इस यात्रा का नाम परिवर्तन इसलिए रखा है क्योंकि प्रदेश के लोग परिवर्तन चाहते हैं। हर आदमी एक बात जरूर कहता है कि इनसे पीछा कब छूटेगा। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा फैमिली आईडी पर सरकार को घेरा, बोले यह परिवार पहचान पत्र नहीं बल्कि परिवार परेशान पत्र है। हरियाणा में कांग्रेस के यूथ विंग अब बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसी सिलसिले में शनिवार को यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा अम्बाला पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तर पर 22 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी जो युवाओं को कांग्रेस के साथ जोड़ेगी। छत्तीसगढ़ में 24 फरवरी से 3 दिवसीय कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन प्रारंभ होने जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द हरियाणा में मजबूत संगठन तैयार होगा। यही नहीं, दिव्यांशु बुद्धि राजा ने फैमिली आईडी पर सरकार के खिलाफ घंटी बजाओ सरकार जगाओ अभियान शुरुआत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह परिवार पहचान पत्र नहीं बल्कि परिवार परेशान पत्र है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश भर में हर डीसी व एडीसी ऑफिस जाएंगे और उन्हें दुरुस्त कराएंगे। जिन लोगों के राशन कार्ड फैमिली आईडी के कारण कटे हैं उस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा।
बल्लभगढ़ डिपो से हरिद्वार के लिए शुरू हुई एक और बस सेवा, ये रहेगा टाइम टेबल। हरियाणा के फरीदाबाद और साथ लगते इलाकों के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। हरियाणा रोडवेज बल्लभगढ़ डिपो ने भोलेनाथ की नगरी हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी है। यात्री लंबे समय से मांग करते आ रहे थे कि बल्लभगढ़ से हरिद्वार के लिए सुबह के समय एक और बस सेवा शुरू की जाए। यात्रियों की मांग पर सुबह के समय हरिद्वार जाने के लिए शुक्रवार से एक और बस सेवा प्रारंभ कर दी गई है। यह बस बल्लभगढ़ बस स्टैंड से सुबह 6:45 पर रवाना होगी और NIT फरीदाबाद के रास्ते दिल्ली होते हुए हरिद्वार पहुंचेगी। यह बस सुबह 6:45 पर हरिद्वार के लिए रवाना होकर दोपहर 1 बजे हरिद्वार पहुंच जाएगी। आधे घंटे के काउंटर टाइम के बाद वापसी बल्लभगढ़ के लिए यह बस सेवा 1:30 बजे रवाना होगी बल्लभगढ़ डिपो से। इससे पहले आपको बता दें कि सुबह 5 बजे एक बस हरिद्वार के लिए जाती है। इसके अलावा पलवल डिपो की बस सुबह 6:20 और 11:30 बजे भी बल्लभगढ़ डिपो से होकर हरिद्वार का सफर तय करती है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हरियाणा में लिंगानुपात के आंकड़े, जीन टॉप पर तो चरखे दादरी पिछड़ा। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए बेटियां बेटियों से कम नहीं है, बेटियों को बचाओ, बेटियों को शिक्षित करो, अगर बेटियां नहीं बची तो बहू कहां से लाओगे जैसे नारों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं बेटियों के प्रति लोगों की सोच को काफी हद तक बदला और उन्हें जागरूक भी किया। अगर जींद की बात करें तो खापलैंड की बदलती सोच और स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता का ही नतीजा है कि अब जिला लिंगानुपात के मामले में प्रदेश में पहले नंबर पर पहुंच गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि खाप चौधरी भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनवरी महीने में जारी आंकड़ों के अनुसार जींद में 1000 लड़कों पर 986 लड़कियों का जन्म हुआ है, जो प्रदेश में पहले स्थान पर है, जबकि पानीपत 959 लड़कियों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। वहीं लिंगानुपात के मामले में 799 लड़कियों के साथ चरखे दादरी सबसे आखिरी पायदान पर है। पूरे राज्य का औसत लिंगानुपात की बात करें तो 913 है। दबे पांव बढ़ती महंगाई से आमजन बेहाल, कंपनियों के लूट के तरीके से सब अनजान। चौतरफा महंगाई की मार ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया है। एक तरफ ईंधन की कीमतें आसमान छू रही है तो वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। तेल की कीमतें बढ़ने से हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं इन चीजों के दाम बढ़ाने में FMCG यानी तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएं कंपनियां भी पीछे नहीं रही हैं। बाजार में दैनिक इस्तेमाल से जुड़ी हुई इन चीजों जैसे कि बिस्कुट, दूध, नमकीन, चाय इत्यादि के दाम चुपचाप बढ़ गए हैं, जो आम आदमी की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। FMCG कंपनियों ने साबुन, टूथपेस्ट, मिल्क पाउडर, कॉफी आदि हर रोज प्रयोग में होने वाली वस्तुओं की कीमतों में जनवरी महीने में 3-20% तक की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों ने इसके पीछे कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह बताया है, लेकिन हर साल ये कंपनियां उन चीजों की कीमतें दबे भाव बढ़ा रही हैं जिनकी सबसे ज्यादा मांग रहती है। कई चीजों के पैकेटों का वजन लगातार घट रहा है, लेकिन जनता से कीमत पुरानी ही वसूली जा रही है। बढ़ती महंगाई और छोटे होते पैकेटों से लोगों को गुमराह कर खुली लूट मचाई जा रही है। बाजार में 6 महीने पहले जो बिस्कुट का पैकेट 10 रुपए का मिलता था वो आज भी 10 रुपए का ही मिल रहा है, लेकिन मात्रा में कटौती से अनजान आमजन महंगाई की मार झेल रहा है। चिप्स, नमकीन, नूडल्स, हैंड वॉश और शैम्पू के पाउच सबका यही हाल है। इनकी कीमत आज भी वही है, लेकिन मात्रा में कटौती से आम आदमी अनजान है। विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। सौर ऊर्जा से संचालित इस चार्जिंग स्टेशन के उद्घाटन अवसर पर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने कहा कि महेंद्रगढ़ व साथ लगते क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध हो गई है। कोई भी व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। इस चार्जिंग स्टेशन पर एक समय में 3 वाहनों को चार्ज करने की सुविधा होगी। यह चार्जिंग स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है और संभवत है यह जिले का अपनी तरह का पहला सोलर एनर्जी पर केंद्रित चार्जिंग स्टेशन है। इस सुविधा के अंतर्गत उपलब्ध होने वाली ऊर्जा की प्रति यूनिट खर्च बाजार की अपेक्षा काफी सस्ता होगा। यह चार्जिंग स्टेशन पूरी तरह से EV फर्स्ट ऐप के माध्यम से काम करेगा। कोई भी इच्छुक इस ऐप की मदद से इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। कोई भी इच्छुक विश्वविद्यालय परिसर में आकर इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। वहीं चार्जिंग पर आने वाले खर्च की बात करें तो विश्वविद्यालय में 7.50 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। सबसे ज्यादा नौकरियां 10वीं और 12वीं पास के लिए हैं। इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवकों की 40,000 से ज्यादा नौकरियां निकली हैं। 10वीं पास के लिए इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर में भर्तियां हैं, साथ ही सैलरी 63,000 रुपए महीना तक है। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में 10वीं पास के लिए भी नौकरियां निकली हैं। जो पोस्टिंग कानपुर और इलाहाबाद में रहेगी। वहीं 40 साल तक के कैंडिडेट के लिए इंडियन बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्तियां निकली हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो 16 फरवरी 2023 से शुरू होगी, 28 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी भर्ती आपकी क्वालिफिकेशन से अगर मैच करते हैं तो तुरंत अप्लाई करें। वहीं दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के तहत 1,105 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 21 से 32 साल तक की उम्र के उम्मीदवार UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर 21 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 28 मई जबकि मुख्य परीक्षा का आयोजन 15 सितंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री करने वाले छात्र इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरसों की फसल में 90% नुकसान, गिरदावरी न होने से परेशान किसान ने फसल पर चलाया ट्रैक्टर। जनवरी महीने में महेंद्रगढ़ नारूल में पाले की वजह से खराब हुई सरसों की फसलों पर अब किसानों ने ट्रैक्टर चलाने शुरू कर दिए। नांगल चौधरी क्षेत्र के नया गांव में किसान महावीर ने अपनी खड़ी सरसों की हरी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। पाले से खराब सरसों की फसल की गिरदावरी न होने से परेशान किसान खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। किसानों का कहना है कि अब उन्हें केवल सरकार से आस है, अगर सरकार ने भी मुआवजा नहीं दिया तो क्षेत्र का किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बता दें कि जनवरी महीने में लगातार एक सप्ताह भयंकर पाला जमने से
सरसों की खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा था। जिले में न्यूनतम तापमान -डिग्री में पहुंच जाने से सरसों की फसल के दाने लगभग खत्म हो गए थे। इससे किसानों के सरसों की फसल में लगभग 80-90% नुकसान पहुंच गया था। इसके अलावा सब्जी की फसलों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा। अधिकांश खेतों में 80-90% से ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। इसी से परेशान होकर उन्होंने अपनी खड़ी फसल में ट्रैक्टर चला दिया है। अब कम से कम यह खत्म हुई फसल थोड़ा बहुत खाद का काम तो करेगी। किसानों का कहना है कि अगर सरकार मुआवजा देती है तो किसान का बचाव हो जाएगा, अन्यथा महंगे बीज खाद व जुताई के खर्चे से पीड़ित किसान बर्बाद हो जाएगा। किसानों की मांग है कि सरकार शीघ्र से शीघ्र उन्हें अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।